हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना काल में जौहरियों का काम करने का अंदाज किस तरीके से बदला है, ये जानने के लिए हम मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में स्थित सिद्धि कारखाने में पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कारीगर हैं वो जेवरात बनाने का काम कर रहे हैं, और जब एक बार जेवरात को आकार देकर काम कर पूरा हो जाता है तो उसे किस तरीके से अब सैनिटाइज किया जा रहा है उसके लिए विशेष तौर पर इस तरीके की जो मशीन्स हैं कोरोना किलर करके ये लाई गई हैं, जो ज्वेलर्स अब इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सैनिटाइज किया जा सके और किसी भी तरीके के कीटाणु हो तो उन्हें मारा जा सके। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कारखाने के मालिक राहुल हैं, उनसे हम बात करते हैं। राहुल, मुझे बताइए कि किस तरीके से काम अब आप लोगों का शुरू हुआ है, किस तरीके से कोरोना ने काम करने का जो तरीका है वो बदल के रख दिया है। तो अभी ये काल में जो कोरोना के टाइम्स है उसमें हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि हमारे 20% ही वर्कफोर्स आए, तो अभी करीबन हमारे पास उन्हीं 12 से 15 एम्प्लॉयज जो काम करने को आ रहे हैं, तो वो थोड़ा फर्क आया है। हमारे काफ़ी डिज़ाइनर्स जो घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम का पॉलिसी वो यूज़ कर रहे हैं हम लोग जहाँ भी हो सके। और अभी ये टाइम में हर एक वर्कर को मास्क देना कंपलसरी है हमारे लिए, उनका सैनिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स वो फॉलो करके हम हमारी फैक्ट्रियाज अभी चालू कर रहे हैं। हमने काफ़ी इनोवेशन किया है एज अ कंपनी सिद्धि डायमंड्स ने, कि हमने ये स्टेरिलाइजेशन मशीन लाए है जो यूवीसी रेज का है, जो हर एक कीटाणु को किल करता है, क्योंकि हमारी एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी और हमारे कस्टमर की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक ज्वेलरी जो भी आता है, गोल्ड आता है, डायमंड्स आते हैं, पहले फैक्ट्री में वो सैनिटाइज होते हैं, फिर जब फिनिश प्रोडक्ट हो जाए तब फिर वापस हम रीसैनिटाइजेशन करते हैं और फिर हमारे कस्टमर्स को हम वो डिलीवर कर रहे हैं। राहुल, हमने देखा कि ये जो मशीन है आप लोगों ने लाई है, ये बेसिकली किस तरीके से काम करता है और इंटेंशन क्या है इस मशीन को लाने का? ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारी कस्टमर की सेफ्टी फॉर सिद्धि डायमंड्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है, इसलिए वो करके कीपिंग दैट इन माइंड हमने ध्यान रखा है कि हर एक कोई भी जर्म्स है या ऐसे कोई भी बैक्टीरिया या वायरस का कोई भी इन्फेक्शन है वो यही स्टेज पे मारा जाए, तो हमारे कोई भी कस्टमर को ये प्रॉब्लम आगे नहीं होगा। और हमारे वो भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि सैनिटाइजेशन करने के बाद हमारा जो पैकेजिंग भी है, जैसे कि बॉक्सेस है और जो भी दूसरा आइटम्स है, बैग्स है, वो सब हम सैनिटाइज कर रहे हैं और स्टरलाइज करके फिर हमारे कस्टमर को डिलीवरी कर रहे हैं। राहुल, मुझे बताइए कि लंबे अंतराल के बाद जो है काम फिर से शुरू हुआ है, तो कितना फर्क पड़ा था, और अब अगर जो लोग ऑर्डर्स भी देते हैं, ग्राहक ऑर्डर्स भी देते हैं, तो उनकी कितनी प्रतिशत है? हमारी फैक्ट्री के हिसाब से हम लोग अप्रॉक्सीमेटली अभी 20% वर्कफोर्स से है, तो दोनों चीज़ प्रॉब्लम कर रहे हैं, कि एक चीज़ है कि हमारे वर्कर्स कम है तो हम लोग इतना प्रोडक्शन नहीं कर सकते जो पहले कर सकते हैं, और दूसरा चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रख रहा है कि हमारे जो कस्टमर्स है वो लोग भी अभी धीरे धीरे ऑर्डर दे रहे हैं, उनका अभी वेडिंग सीजन जो आएगा तब हमको लग रहा है एज अ कंपनी सिद्धि डायमंड्स ग्रो कर पाएगी ये टाइम्स में, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना मीटिंग जूम पे कर रहे हैं, वेडिंग जूम पे हो रहे हैं, तो उसके वजह से हमको क्या फायदा होने वाला है कि लोगों इतने हॉल्स बुक नहीं होंगे मैरिजेस के, ये वो, तो एक कोई भी बाप अपनी बेटी को कभी भी जाएगा तो वो ज्वेलरी डेफिनेटली देगा, क्योंकि उनके कॉस्ट बच रहे हैं, अभी कोई हनीमून पे नहीं जा सकता, तो हमको लग रहा है कि गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट एंड डायमंड्स एज एन इन्वेस्टमेंट इज वेरी गुड फॉर द कस्टमर, और इसके वजह से बहुत सारे कस्टमर्स हमारे पास आएंगे यही टाइम्स में भी, तो हम वो उम्मीद कर रहे हैं। और हमारी मेन प्रायोरिटी अभी भी रहेगी कि सेफ्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली कंपनी ग्रो होगी पर सेफ्टी हमारे लिए पहले प्रायोरिटी है, और हम गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स आ रहे हैं धीरे धीरे लॉकडाउन ओपन होने के भी वही फॉलो करेंगे आगे जाके। जी, तो बेशक कोरोना काल में चीजें बदली हैं और लोगों के काम करने का तरीका भी बदला है, और यही कारण है कि अपने ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए अब जो कई कारखाने हैं, कई कंपनियां हैं, इस तरीके से जो मशीनें हैं वो अब अपने कारखानों में ला रही हैं ताकि जो कोरोना का गहराता संक्रमण है उसे रोका जा सके और जो कस्टमर्स हैं उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके। कैमरा पर्सन उत्तम कटियार के साथ रेणु चौधरी, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।